आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन की रेसिपी। ये गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट बनते हैं, इतने स्पॉन्जी बनते हैं, आप एक बार इसे खा लीजिएगा तो खाते के साथ ही मुंह में एकदम घुल जाएगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मावे के गुलाब जामुन। तो मावे के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ्रेश मावा लिया है, 250 ग्राम मैंने यहाँ पे मावा लिया है, और मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट लिया है। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए आप बड़ा प्लेट लीजिए ताकि इसको मथने में आसानी होती है। तो सारे मावे को मैं प्लेट में डाल दूंगी। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेप स्टार्ट होता है, जो हलवाई लोग करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है, मावे को हाथ से मथना है। तो देखिए हमारा मावा जो है बिल्कुल फ्रेश है। तो कोशिश करिएगा जिस दिन आप मावा लाए उसी दिन आप गुलाब जामुन बनाइए। फ्रिज में रखने के बाद तो गुलाब जामुन उतने अच्छे नहीं बनते हैं, तो ताज़े मावा से ही गुलाब जामुन बनाइए। चलिए इसको अब हाथों से इस तरह से मथना है। तो देखिए इस तरह से इसको हाथों से मसलना है, तभी आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बनेंगे, एकदम हलवाई जैसे बनेंगे। तो दोस्तों गुलाब जामुन बनाने की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पर अगर मेरे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए 10 से 12 मिनट तक इस तरह से मैंने हाथों की मदद से इसको मसला है। देखिए मावा में जो दाने होते हैं ना बिल्कुल वो ख़त्म हो जाते हैं, मावा एकदम सॉफ्ट बनता है। तो देखिए सॉफ्ट हो चुका है हमारा मावा, तो इसी तरह का मुझे चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है यहाँ पे। तो आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया है। तो चलिए आप अगर बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो दो चुटकी बेकिंग सोडा भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे गुलाब जामुन में अच्छी बाइंडिंग लाने के लिए तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच इसमें मैदा डाल दिया है। 250 ग्राम यहाँ पे मेरा मावा था तो मैंने इसमें 3 चम्मच मैदा डाला है। अगर आपका मावा थोड़ा गीला है तो मैदा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा मैदा डाल दीजिएगा तो आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो देखिए मावा में बहुत ज़्यादा घी है तो हाथों में देखिए कैसे दिखने लगा है। तो देखिए हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है, इस तरह से इतना सॉफ्ट हो चुका है देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, हमारा डो रेडी हो चुका है। तो अब इसे 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे डाल दूंगी एक कॉटन के कपड़े से ढक के। तो चलिए अब चाशनी को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा मग था मेरे पास, कॉफ़ी मग, तो उसमें मैंने एक मग शक्कर डाल दिया है। तो यहाँ पे ये मग जो है वो 400 ग्राम का है और थोड़ा सा और मैंने इसमें डाल दिया है शक्कर, आधा से कम, तो 500 ग्राम के हिसाब से मैंने शक्कर डाला है। और उसी कप में मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर मैं डाल दूंगी, आप चाहे तो इलायची को खोल के भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे केसर डाल दिया है। तो चलिए फुल फ्लेम पे इसको चलाना है। तो देखिए चाशनी हमारी अब हो चुकी है, चेक कर लेते हैं हाथ हाथ में, अगर आप चेक करिएगा तो आपको ऐसा लगे कि आपने ऑयल को छुआ है, वैसा ही टेक्स्चर चाहिए इसका। तो देखिए चाशनी हमारी हो गई रेडी। तो चलिए अब गुलाब जामुन रेडी कर लेते हैं। तो चलिए देखिए मावे में इतना सारा घी है, देखिए कपड़े में लग चुका है। तो चलिए अब गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे गुलाब जामुन मैं बनाऊंगी मीडियम साइज के। तो देखिए देखिए अभी गुलाब जामुन सही से नहीं बन रहे हैं तो बिल्कुल फट रहे हैं, तो थोड़ा सा और इसको मैं मसल लूँगी। तो देखिए अब इस तरह से थोड़ा सा और इसको मसल लेंगे। तो चलिए अब गुलाब जामुन को रेडी करते हैं। मीडियम साइज़ का मैं बना रही हूँ, ना ज़्यादा छोटा बना रही हूँ ना ज़्यादा बड़ा बना रही हूँ। तो दोनों हाथ के बीच में इसको थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि कोई क्रैक्स ना रहे इसमें। तो देखिए मैंने गुलाब जामुन को रेडी किया है, देखिए कोई क्रैक्स नहीं है इसमें। तो इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को रेडी करना है। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन को रेडी कर लिया है। तो गुलाब जामुन बनाने में एक स्टेप और है, अगर आप गुलाब जामुन बना रहे हैं तो बाकी जो डो है उसको ढक के ही रखिएगा, नहीं तो
गुलाब जामुन का डो एकदम सूख जाता है तो हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो चलिए देखिए, सारे गुलाब जामुन को मैंने रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने गैस पे तेल पहले से ही गर्म कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि तेल कैसा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तेल को गर्म किया, फिर ठंडा कर लिया। तो देखिए, पहले मैं छोटा सा गुलाब जामुन चेक करके इसमें देखूँगी। तो देखिए, तेल हमारा परफेक्ट है। तो अब इसमें मैं गुलाब जामुन डाल दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखना है, मतलब लो से भी लो कर लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन ऊपर से एकदम पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पे हमें गुलाब जामुन में सिर्फ कलर नहीं लाना है, अच्छे से पकाना भी है। तो देखिए, हल्का हल्का सा बबल्स आ रहा है, मैंने लो से भी लो फ्लेम रखा है और इस तरह से घुमाते हुए इसमें कलर लाना है। तो देखिए, आप देखिए इसको घुमाते घुमाते इसमें कलर आ जाएगा। तो मैंने देखा है हलवाई लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है, धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है इसका कलर। तो देखिए, करछी मैंने एकदम नहीं लगाया, इसी तरह से मैंने पूरे गुलाब जामुन को छाना है। तो देखिए, बाद में मैं हल्का हल्का सा करछी लगाऊंगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपके गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट दिखने लगे तो आप जो दूसरा बैच तलिएगा तो उसमें थोड़ा सा मैदा और मिला लीजिएगा, तब आपके गुलाब जामुन नहीं टूटेंगे। तो देखिए, अब गुलाब जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं। कितना अच्छा कलर आया देखिए, इसमें बिल्कुल एक जैसा कलर आया है। आप इसी स्टेप से अगर फॉलो करिएगा तो आपके भी गुलाब जामुन बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे। तो करछी को आप मत लगाइएगा, मतलब बाद में लगाइएगा, और इसी तरह से पैन को मतलब हिला हिला के गुलाब जामुन तलिए तो बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने चाशनी को हल्का गर्म कर लिया, तभी मैंने गुलाब जामुन डाला है। तो गर्म करके ही डालिए, तभी आपकी चाशनी पूरे गुलाब जामुन में अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो देखिए, अब चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी चाशनी में गुलाब जामुन में डाल दूंगी। तो गुलाब जामुन की चाशनी को गर्म ही रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बैच इसमें डाला, लेकिन दूसरा बैच डालने से पहले मैंने तेल को ठंडा कर लिया था, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, गर्म तेल में नहीं डालिएगा गुलाब जामुन को। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था मावा, तो मैंने छोटा गुलाब जामुन बना दिया। तो देखिए, हल्का हल्का सा बबल्स आने लगा है और फ्लेम बिल्कुल लो है, और फिर से मैंने उसी स्टोव को फॉलो किया है। तो देखिए, इसी तरह से मैंने इसको हिला हिला के बनाया है। तो करछी भी बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लगाया। तो देखिए, गुलाब जामुन का कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है, सारे गुलाब जामुन एक जैसे ही बने हैं। तो देखिए, अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको भी मैं चाशनी में डाल दूँगी। तो चलिए, चाशनी में मैंने सारे गुलाब जामुन को डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा लिया था, इससे हमारे 20 गुलाब जामुन बने हैं। तो चलिए, सारे चाशनी को मैं गुलाब जामुन के ऊपर डाल दूंगी। अब 10-15 मिनट में देखिएगा आप, गुलाब जामुन एकदम फूल जाएंगे, एकदम स्पॉन्जी हो जाएंगे। तो देखिए, इतने सॉफ्ट बनते हैं मावे के गुलाब जामुन। आप किसी भी चीज़ के गुलाब जामुन बना लीजिए, लेकिन मावे के गुलाब जामुन के सामने कोई भी गुलाब जामुन फेल हो जाती है। तो देखिए, अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको, कितने स्पॉन्जी बने हैं देखिए, और कितनी जूसी है देखिए। तो चलिए देखिए, गुलाब जामुन का साइज भी एकदम परफेक्ट है। तो मैं एक और काट के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, कितनी रस भरी है देखिए, एकदम जालीदार बनी है गुलाब जामुन। तो चलिए, मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ, और थोड़े थोड़े रस इसमें डाल दीजिए, और इसका ऐसा लुक है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो बिल्कुल हलवाई जैसे ही बनते हैं, टेस्ट और लुक भी वैसे ही लगता है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो फिर से मैं बोल रही हूँ, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में मेरी रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।